दुख है, ये क्यों हुआ? प्रश्न ये नहीं पूछना कि ये प्रभु ने उनको क्यों बुलाया है इस समय में, हम वो प्रश्न ना पूछें, लेकिन हमें ये प्रश्न पूछना है, प्रभु ने मुझे पृथ्वी में अभी क्यों रखा है? The question is not why God has called him, but the question we should ask is why God has kept me here. हमें ये प्रश्न पूछना है, प्रभु ने मुझे अभी क्यों इस पृथ्वी में रखा है? ये प्रश्न पूछना है। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे संकट के बीच में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। हम विलाप गीत, जो बाइबल में एक ऐसा किताब है, आपने शायद आपने ये गीत पढ़ा नहीं है, या ये गीत ये किताब को आपने स्किप कर दिया है, नजरअंदाज किया है, तो इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एक संदेश है। ये यिर्मयाह की किताब के बाद आता है, 5 अध्याय है, छोटा सा किताब है, और विलाप के गीत है, बहुत दर्द और दुख की बातों को यिर्मयाह के द्वारा वहां पर लिखा गया है। लेकिन इस किताब के बीच में बहुत एक अच्छा एक परमेश्वर का वायदा, और वो वायदों को हम यदि पढ़ें, ये वायदों को हम याद दिलाते हैं बार बार, लेकिन ये वायदे को हम यदि पढ़ें, हम ये वायदे हम जरूर जानते हैं, लेकिन ये विलाप गीत के बिल्कुल बीच में है। वो कौन सा वायदे हैं? वो विलाप गीत 30, 3 अध्याय और उसके 21 से हम पढ़ते हैं, 21 से 26 हम पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, परंतु मैं ये स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा क्या यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। देखिए, इस दुख शोक और दर्द के बीच में परमेश्वर का बहुत ही बहुत अच्छे ये शब्दों को और वायदों को हम देखते हैं। क्या सीखते हैं इससे? हमारे शोक और दर्द के बीच में ही परमेश्वर के वायदों को हम अच्छी तरह समझ भी सकते हैं और जीवन में महसूस कर सकते हैं। हमारे दुख के बीच में, आपके शोक के बीच में ही परमेश्वर के वायदों को हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं इस विलाप गीत के बीच में, एकदम बीच में, ये बहुत ही सुंदर परमेश्वर के वायदे हैं। वो क्या है कि उस हर प्रतिभोर को वो नहीं होती रहती है, तेरा सच्चाई महान है। प्रतिभोर को क्या नहीं होती रहती है? उसकी दया, उसका अनुग्रह। हर दिन हम उसकी दया, अनुग्रह और प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो दुख के बीच में हो, चाहे वो हमारे सबसे बड़ा शोक के बीच में हो। परमेश्वर को हम ज्यादा अनुभव कर सकते हैं हमारे संकट के बीच में। आज हम सीखेंगे कि हम संकट के बीच में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, और हम यूसुफ के जीवन को देखेंगे, उसके जीवन से हम सीखने का कोशिश करेंगे। ज्यादातर क्या होता है, संकट के बीच में हमारा दृष्टि और हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, प्रश्न की ओर, या हमारे संघर्ष की ओर, चुनौती की ओर, या सामने जो अड़चन है, जो घटना हो रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान चले जाता है और हमारा मन भटक जाता है। लेकिन आज हम सीखेंगे संकट में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और हमारी प्रतिक्रिया भी क्या होना चाहिए, हम कैसे प्रतिक्रिया करें संकट के बीच में। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, हम यूसुफ के जीवन से हम सीखेंगे, कुछ सबक हम सीखेंगे, हम कैसे प्रतिक्रिया कर सकते। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता होना चाहिए, कम्युनियन
विथ गॉड। सबसे पहले संकट में सबसे पहले हम परमेश्वर के करीब आना है, उसके उसके साथ एक निकटतम के संबंध को हमें बढ़ाना है, एक घनिष्ठता उसके साथ होना है। आइए हम यूसुफ के जीवन में देखें। यूसुफ को आप सब जानते हैं, पुराने नियम उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं। उत्पत्ति के किताब में हम चार लोगों के बीच बारे में, वहां पर अधिकतर इनके बारे में है, चार व्यक्तियों के बारे में। वो कौन कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के बारे में है। और वो एक एक अलग अलग पीढ़ी है। याकूब के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे, और उनमें से 11वां पुत्र है यूसुफ। और यूसुफ को याकूब बहुत ही प्रेम करता था, उससे बहुत प्रीति रखता था, और उससे प्रीति रखने के कारण उसको उससे उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे चीजों को देता था। देखिए माता पिता, आज माताओं का दिन है, प्रभु सारी माताओं को आप आशीषित करें। लेकिन माता पिता होने के नाते दो या तीन या चार बच्चे हैं तो हम कोई भी एक को ज्यादा हम भेदभाव ना करें, एक एक को ज्यादा प्रीति ना करें, सबको बराबर हमें प्रेम करना है। ये एक गलती है याकूब का, वो यूसुफ से ज्यादा प्रेम करा, जिस वजह से दूसरे भाइयों को यूसुफ के प्रति क्या हुआ? नफरत, ईर्ष्या उसके प्रति हुआ। यूसुफ के लिए पिताजी ने रंग बिरंगे कपड़ों को दिया, और जब भी वो पहनता था और भी उनके अंदर एक जलन होता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ को कहा, क्योंकि उनके भाई लोग क्या करते थे उस समय, अपने भेड़ बकरियों को चराते थे और दूर दूर चले जाते थे। तो एक दिन सभी भाई लोग गए, यूसुफ ने गया, शायद हो सकता है याकूब ने बोला कि तू नहीं जाना, तू मेरा प्रिय है, तू मेरे साथ रहना। लेकिन जब वो दूर चले गए, उनके लिए खाना ले जाना था। खाना ले जाने के लिए याकूब ने यूसुफ से कहा उनके लिए खाना ले जाओ। वो खाना ले गया, जंगल में कहीं था, और ढूंढ ढूंढ कर आखिरी में पहुंच गया। दूर से भाई लोगों ने यूसुफ को आते हुए देख लिया, और वो लोग सब मिल गए, और वो एक योजना करने लगे, आपस में बात करने लगे। क्या बात कर रहे थे? आज हमारा मौका, इसको हम पकड़ के मार देंगे, और इसके कपड़ों को फाड़ कर, जो रंग बिरंगे कपड़े जो उसके पिताजी ने किया उसको फाड़ कर, एक जंगली जानवर को मार के उस इस कपड़े को उस लहू में डुबा कर पिताजी को देंगे, और क्या बताएंगे कि जंगली जानवरों ने आपके बेटा यूसुफ को मार दिया। ये रहे उसके कपड़े, देखिए लहू लुहान, ये कपड़े कोई जंगली जानवर ने मार दिया। उन्होंने ये योजना की, और जैसे यूसुफ आया तो वो लोग उसको करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ा भाई जो है रूबेन ने कहा कि ऐसा नहीं करें। देखिए हमें किसी का कत्ल करना या खून बहाना ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, ये ऐसा नहीं करना। सबसे पहले भाइयों के अंदर क्या था? उनके अंदर एक बैर, घृणा था। और घृणा कहां किस कहां पर ले गया? घृणा उनको जलन की ओर ले गया, और जलन से क्या हुआ उनको, उसको क्या है, हत्या करने का विचार। देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब घृणा हमारे अंदर होता है, बैर वहीं पर ही खत्म कर दे तो बहुत अच्छा, वहीं पर ही सभी बातों को खत्म कर दे, माफी मांगना है या प्रश्नों को हल करना है वो बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या है, हमारे अंदर ये जो घृणा और बैर जो है, ईर्ष्या या जलन की ओर जाता है, जलन करने लगते हैं, और जलन में भी खत्म नहीं होता, जलन के आगे यदि जलन किसको पैदा करता है, जलन हत्या को पैदा करता है। देखिए बहुत गंभीर बात है ये, यदि हम जलन को यदि वहां पर खत्म ना कर दें, उसको हम उसको उसका हल
नहीं उसका हल नहीं ढूंढेंगे तो जलन, हत्या या ऐसी बातों की ओर हमें ले जाएगा। यही हुआ याकूब के बेटों के जीवन में या यूसुफ के भाइयों में। तो रूबन ने कहा इसका हम हत्या नहीं करेंगे, इसको एक सूखी कुएं के अंदर हम इसको डाल देंगे, और हाँ हम इसके कपड़े को फाड़कर हम बोलेंगे कि जंगली जानवरों ने आपके बेटे को मार दिया है और वो नहीं है हमारे बीच में। तो लेकिन यहां पर संकट, बहुत बड़ा संकट, या यूसुफ कहां पर है? वो इस सूखी गड्ढे के अंदर या कुएं के अंदर। वहां पर क्या हुआ होगा? इस सूखी गड्ढे के अंदर जब पड़ा हुआ था यूसुफ रोने लगा, यूसुफ प्रभु को पुकारने लगा, परमेश्वर को पुकारने लगा, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर और लगाने लगा, और वो कहने लगा, यहां बाइबल में नहीं लिखा लेकिन मेरा विचार है, प्रभु से विनती करने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आपने मुझे दर्शन स्वप्न को दिखाया, ये स्वप्न कब पूरा होंगे, आपकी योजनाएं कब पूरा होगा, प्रभु क्या मुझे यहां पर इस सूखी गड्ढे में, सूखा गड्ढे में ही मरना है? वो अपने हृदय में, हृदय को प्रभु के और उसने डाला और प्रभु के करीब आया उस अनुभव। हमारे संकट के समय में भी प्रभु के करीब आना, प्रभु से पुकारना है, हमारे दर्दों को, हमारे प्रश्नों को, हमारे संघर्षों को, सभी चीजों को प्रभु से हम बांटना है। अनेक बारी हम गलती ये करते हैं, जब भी संकट क्लेश होता है सबसे पहले कहां भागते हैं? मनुष्य की ओर भागते हैं। मनुष्य से सहायता जरूर ले, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर द्वारों को खोलने दीजिए। हम अपने जोर जबरदस्ती करके अपनी बुद्धि और योजना के अनुसार ना चलें, क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि और योजना के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में नहीं देख पाएंगे। यूसुफ परमेश्वर की ओर पुकारा और फिर क्या हुआ आपको मालूम है? तुरंत वहां पर ये हम और भी जगहों में देखते हैं, सिर्फ यूसुफ के जीवन में नहीं, हर एक प्रभु के दासों के जीवन में हम देखते हैं जो बाइबल में। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं। दूसरा इतिहास उसका 20 का 3 को पढ़ेंगे। ये यहोशफात के जीवन के बारे में है। यहोशफात जो राजा था, तो उनके इसराइल के राजा, उनके चारों तरफ क्या हुआ? 3 राज्यों के सेना वहां पर उनके राज्यों के चारों तरफ, और वो बहुत बड़ी सेना था। यहोशफात बहुत घबरा गया और उसको नहीं मालूम, क्योंकि उसके उसके पास इतना बड़ी सेना नहीं था। आइए हम पढ़ेंगे दूसरी इतिहास 20 का 3 आयत को पढ़ेंगे। कोई पढ़ेंगे? तब यहोशफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहोशफात डर गया, ये देखिए ये आम बात, दिस इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस। जब प्रश्न संकट आते हैं हम डर जाते हैं, मानसिक है और एकदम इट्स ह्यूमन टू बी फियरिंग। बट लेकिन उसने क्या किया? यहोवा के खोज में लग गया, यहोवा के करीब आ गया, यहोवा के साथ उसका एक घनिष्ठ संबंध में आ गया, यहोवा से पुकारने लगा। यहोवा मतलब परमेश्वर। नेक प्रभु के दासों के जीवन में हम देखते हैं। दानियल के जीवन से आइए पढ़ें, दानियल 2:17-18 में हम जाएंगे। दानियल 2:17-18 इसके जीवन में देखिए क्या हुआ। दानियल 2 में हम पढ़ते हैं कि नबुकदनेस्सर राजा, जो बाबुल का राजा था, उसने एक स्वप्न को देखा और वो स्वप्न का व्याख्या करने के लिए ज्योतिष, तांत्रिक और जादू टोना करने वाले और ऐसे कसदियों को उसने बुलाया और उनसे नहीं हो पाया, वो उसका व्याख्या नहीं कर पाए और ना ही स्वप्न को बता पाए। तो नबुकदनेस्सर ने क्या कहा राजा ने? इन सबको मार दो। उनमें कौन था? दानियल और उसके
सहकर्मी और उसके दोस्त लोग थे। जब दानियल को यह पता लगा कि नबुकदनेस्सर ने ऐसा एक 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 ऐसा एक रूल, ऐसा एक कानून दे दिया कि बोल दिया कि सभी ज्योतिष और सभी जो जो तांत्रिक करने वाले सभी को मार दो, जब दानियल ने जाकर बोला कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं इसका व्याख्या करूंगा, मैं नहीं, परमेश्वर व्याख्या करेगा, उसने क्या उस संकट के बीच में, देखिए मृत्यु उसके सामने, उस संकट के बीच में उसने क्या किया, हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय और उसका 17 और 18, दानियल दूसरा अध्याय 17 और 18। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अर्ज्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। यस, देखिए अब वो कहां गया इस संकट के बीच में, क्या क्या संकट क्या है, राजा ने बोला कि सबको मार दूं, ये बहुत बड़ा संकट, लेकिन उस संकट के बीच में भी दानियल कहां गया, परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना किया, अपने दोस्तों को भी बुलाकर, अपने संगी को भी बुलाकर उसने कहा आइए हम मिलकर हम परमेश्वर के पास जाएं। देखिए सबसे पहला सबक, सबसे पहला जो हमें जो सीखना है वो क्या है, हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता के संबंध को बढ़ाएं, परमेश्वर के करीब आएं, हमारे दुख और संकट और क्लेश के समय में हम जरूर मनुष्य से पूछना है, मैं ये नहीं कह रहा कि मनुष्य का सहायता नहीं लेना, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ आए, उसके साथ एक घनिष्ठता के संबंध को हम बढ़ाएं, प्रभु ये चाहता है कि हम उसके साथ एक घनिष्ठता के संबंध को बढ़ाएं। हम दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता, समय नहीं है हमारे पास, दाऊद के जीवन में भजन 42 के अध्याय में आप चले जाए, भजन 42 42 वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर पर आशा लगाए, कब, जब उसके प्राण भीतर से गिर गया है, उसके प्राण भीतर से गिर गया, वो बहुत बहुत दुखित था, बहुत शोकित था, तो वो क्या कह रहा है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, हे मेरे प्राण प्रभु पर भरोसा कर, तू क्यों वहां व्याकुल है अंदर अंदर, परमेश्वर पर भरोसा कर, परमेश्वर के करीब जा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले हम ये सीखें, संकट के बीच में हम परमेश्वर के करीब आए, यही परमेश्वर का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य क्या है, हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता के संबंध को बढ़ाए, यू बिकम मोर इंटिमेट विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू नो हिम मोर, हम परमेश्वर को और भी जाने, उसको पहचाने, उसके चरित्र को और भी जाने, हम परमेश्वर का प्रकाशन और भी हमें मिले, क्योंकि संकट में ही हमें प्रभु उसके पास जब हम जाएंगे वो हमें मार्ग दिखाएगा, वो हमें सांत्वना देगा, वो हमें मदद करेगा, वो हमें बल देगा। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है कि मनुष्य में भरोसा करना एकदम व्यर्थ है, परमेश्वर पर हम भरोसा करें। तो लेकिन अक्सर संकट में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, विश्वासियों के जीवन में भी क्या होता है, वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के करीब आने के वजह के बदले वो क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। Either people grow in communion with God in the midst of crisis or they grow in rebellion with God. यदि वो परमेश्वर के घनिष्ठता के संबंध में आएंगे या वो परमेश्वर से बलवा करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं हम में से ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बलवा करें। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, अनेक लोग हैं ऐसे, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है एक
भाई के बारे में जो हमारे संगति में था वो आज परमेश्वर से बलवा कर रहा है। दो दिन पहले मैं उससे बात करने का कोशिश भी कर रहा था लेकिन परमेश्वर के साथ उसको एक बहुत बड़ा घृणा आ गया। क्यों? क्योंकि संकट के बीच में वो जैसे वो चाहता है वैसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं जा रहा, मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहा है। प्रिय प्रभु के जन, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले हम ये सीखें संकट के बीच में हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता के संबंध को हम बढ़ाएं। क्यों? हम आगे देखेंगे क्यों करते, क्योंकि वही हमारा सहारा है, वही हमारा उपाय है, वही हमें संकट से बचा सकता है। दूसरा हम देखें, दूसरा क्या है? परमेश्वर का समुदाय। सबसे पहले परमेश्वर का के साथ एक घनिष्ठता के संबंध को बढ़ाएं और दूसरा परमेश्वर का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ गॉड, कम्युनियन विद गॉड एंड कम्युनिटी ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के साथ उसके समुदाय के साथ भी जुड़ना है। आइए हम यूसुफ के जीवन से हम देखें, हम देखेंगे 37वें अध्याय जो उत्पत्ति की किताब 37वें अध्याय और उसके 26 और 27 पदों में आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं। 37 अध्याय से या 36 अध्याय से आगे तक 40-45 तक पढ़ेंगे तब आपको पूरे अच्छी तरह आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा विवरण करने का मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यहां पर देखते हैं यूसुफ के जीवन में क्या हुआ। वहां से उसने, वो जब कुएं में पड़ा था, उसने परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर के करीब आगे आया, तब क्या हुआ? एकदम से उसका एक दूसरा भाई यहूदा, उसने कहा कि इसको क्यों इस गड्ढे में हमने फेंका हुआ, इसको आइए हम कुछ कर बचाते हैं। तब एकदम से उन्होंने क्या देखा कि एक मिद्यानी कुछ व्यापारी वहां से गुजर रहे थे, अपने अपने ऊंट में, अपने बहुत बड़ा एक वो वहां से गुजर रहे थे। तो यहूदा ने कहा कि क्यों ना हम हमारे भाई यूसुफ को इनके हाथों में बेच दें, हमें कम से कम पैसा मिल जाएगा, हम जरूर हम ये कहानी बताएंगे। क्या कहानी बताएंगे? अपने पिता को कि जंगली जानवरों ने मार दिया है, वो मर गया है। तो यहूदा ने कहा देखिए खून बहाना अच्छा नहीं है, वो भी हमारा भाई, कम से कम वो हमारा हमारा ही भाई है, हमारा खुद भाई है, इसको हम इनके हाथों में भेज। तो वो व्यापारियों के हाथ में उन्होंने बेच दिया, यूसुफ को बेच दिया। और वो कहां जा रहे थे? वो मिस्र की ओर जा रहे थे। और मिस्र में जाकर ये व्यापारियों ने कहा किसको बेच दिया? उन्होंने एक पोतिफेर नाम का एक जो फिरौन का एक हाकिम था, फिरौन राजा का जो हाकिम ऑफिसर था, उसके हाथों में यूसुफ को बेच दिया। किसके हाथों में? पोतिफेर के हाथों में। 27वां अध्याय में हम इसको पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, हम एक आयत को पढ़ेंगे, 39 verse 2 and 5। कोई पढ़ेंगे? 39 उत्पत्ति अध्याय 39 का 2 आयत पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखिए परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। किसके ऊपर? यूसुफ के ऊपर था। वो एक गुलाम के रूप में यहां पर गया लेकिन यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर के हाथ उसके ऊपर था। बहुत ही भाग्यशाली था जब उस पर जब वो सफल होने लगा, उसके स्वामी जो पोतिफेर था वो और उसके घराना और उसके जो भी काम था उसके ऊपर सब क्या आया, बहुत आशीष हो गया। और उसके स्वामी ने भी देखा अरे इसके ऊपर क्या है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का हाथ है, तो इसलिए इसको मैं एक सब चीजों के ऊपर मैं इसको मैं एक सुपरवाइजर बनाऊंगा, स्वामी बनाऊंगा, इसको इसको अधिकारी बनाऊंगा।
यूसुफ पोतीफेर के सभी चीजों के ऊपर, उसके घराने के सभी चीजों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, पत्नी के अलावा सभी लोगों के ऊपर उसको अधिकार मिला। प्रभु का हाथ उसके, ये एक समुदाय, परमेश्वर ने उसको ये समुदाय के साथ जोड़ा। वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर की आशीष इसके ऊपर हुआ और परमेश्वर की आशीष इसके द्वारा दूसरों के जीवन में भी हुआ। अब लेकिन यहां पर बहुत दिन रह नहीं पाए, बाइबल में इतना साफ नहीं है कितने साल रहा, हो सकता है 2 या 3 साल ही रहा होगा। यहां से वो दूसरे समुदाय में गया। यहां पर क्या हुआ, उसके ऊपर एक गलत आरोप आया कि उसने पोतीफेर के पत्नी को बलात्कार किया बोल के गलत आरोप किया। उसने नहीं किया, लेकिन एक गलत आरोप उसके ऊपर आ गया और वहां से वो कहां गया, बंदीगृह में चला गया, प्रिजन। और दूसरा समुदाय, सबसे पहला समुदाय पोतीफेर और उसके घराना, और यहां पर अभी दूसरा समुदाय कौन सा है, बंदीगृह, बंदीगृह के कैदियां और बंदीगृह का ऑफिसर जो जो जेल का रखवाला उसके ऊपर, जेलर, और वो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी आ गया। वहां पर भी परमेश्वर यूसुफ को बहुत ही इस्तेमाल करने लगा, प्रभु का बहुत ही आशीष उसके ऊपर था। 40वां अध्याय में हम इसको पढ़ते हैं। वहां पर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद पिलाने हारा और पकाने हारा, कप बियरर और बेकर, पिलाने हारा और पकाने हारा, कप बियरर और बेकर है, ये कोई बीमारी नहीं है, वायरस नहीं है, पिलाने हारा और पकाने हारा, कप बियरर और बेकर, उनको एक स्वप्न आया। और स्वप्न आया तो क्या हुआ, वो यूसुफ के पास गया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। अब पढ़ेंगे 40वां अध्याय में, हम अनेक बार ही देखते हैं, या 39वां अध्याय में, सॉरी 39, 21 और 22 कोई पढ़ेंगे, 39, 21 और 22। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जो जो काम, यहाँ पर भी परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आ, यहाँ पर भी वो सबके ऊपर अधिकारी जैसा हो गया। जो दरोगा था उसने देखा कि परमेश्वर का आशीष इसके ऊपर है, उसको इसके सबके ऊपर एक अधिकारी के समान रख दिया। और 40वें अध्याय में देखते हैं ये दो जन जो है, पिलाने हारा और पकाने हारा को स्वप्न होता है, वो आके यूसुफ से पूछता है और यूसुफ उनके स्वप्नों का व्याख्या करता है। और ये दूसरा समुदाय है। मैं ये कहना चाहता हूं, समुदाय में क्या होता है, समुदाय में परमेश्वर हमें बनाता है, हमें परिपक्व करता है, उसकी इच्छा के अनुसार हमें बनाता है। परमेश्वर समुदाय में ही हम बढ़ सकते हैं। अनेक बारी क्या होता है, संकट जब आते हैं, क्लेश जब होता है, मैंने देखा हुआ है कुछ लोग क्या करते हैं, वो समुदाय से, संगति से, सभी लोगों से क्या करते हैं, कट जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करना, मेरे को किसी का फोन नहीं उठाना, मुझे मेरे को किसी से बात नहीं करना, मैं बस दूर जा रहा हूं, मैं अकेला रहूंगा। ये बहुत खतरा है, ये बहुत खतरा। देखिए परमेश्वर का इच्छा और योजना क्या है, हम संगति में बढ़े, लोग जो संगति में प्रभु ने रखा है, अपनी संगति नहीं। हाँ, आप संगति को चुनते नहीं, कृपया करके ये सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप उसी संगति में बढ़ सकते हैं जहां पर प्रभु ने आपको रखा है। प्रभु का हाथ और प्रभु की आशीष, प्रभु की योजनाओं में आप बढ़ सकते हैं जब आप प्रभु ने जो रखा है उस संगति में बढ़ते हैं। संगति को हम नहीं चुनते, परमेश्वर चुनकर हमें रखता है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने
एदन की वाटिका में बनाकर उसको उनको वहां पर रखा, परमेश्वर ने रखा उनको। हम उस संगति से बाहर चले जाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के द्वारा भी पूरा नहीं। आज लोग अपनी इच्छा के अनुसार संगति को ढूंढते, मेरे को ये संगति अच्छा नहीं, ये चर्च अच्छा नहीं है, पादरी पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को ये लोग अच्छे नहीं लगते मेरे को, मैं दूसरा चर्च में जाऊंगा, मैं दूसरे, ये बहुत गलती कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक संगति आपके लिए चुना हुआ है, वहां पर रहें, चाहे वो जो भी है। सबसे सुरक्षित जगह आपके लिए कौन सा है? सबसे सुरक्षित जगह आपके लिए प्रभु की इच्छा के केंद्र में जब हम रहते हैं, वो है सबसे सुरक्षित जगह। चाहे वो वहां पर वायरस हो, चाहे वो वहां पर कुछ भी आपत्ति हो, सबसे सुरक्षित जगह वो है जहां पर प्रभु ने आपको रखा है। मैं समझता हूं कि आप इसको, इस चीज को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। यूसुफ अपने संगति को चुना नहीं है, प्रभु ले गया है। पहले उसके पिता के घर में, वहां पर वो आशीषित हुआ, फिर वो पोतीफेर के घर में, वहां पर भी हुआ, क्लेश हुए, संकट हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जगह क्लेश और संकट थे, लेकिन वहां से भागा नहीं, वहां पर रहा। अब वो बंदी गृह में कैदियों के बीच में और ऐसे लोगों के पिलाने हारा और पकाने हारा और बंदीगृह के दरोगा, ऐसे लोगों के बीच प्रभु का एक इच्छा है। प्रभु का इच्छा क्या है? कि हम बढ़े। अब हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे भजन 133 और उसके 1-3। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसके दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यह हार्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। संगति में रहना, परमेश्वर कहता है कितना भला और मनोहर है, कितना भला और मनोहर है जब हम उस संगति में रहते हैं जहां पर प्रभु ने हमें रखा है। वहां पर क्या है? उत्तम तेल के समान है, मतलब वहां पर अभिषेक है, वहां पर आशीष है। कहां से? प्रभु से। प्रभु की आशीष, प्रभु के अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। और वो भी नहीं, वहां पर क्या है? वहां पर जीवन है, प्रभु सदा जीवन है और सदा आशीष भी आपके। परमेश्वर कमांड करता है, परमेश्वर हुक्म देता है आशीषों को आपके ऊपर। आशीष के पीछे मुझे भागने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर मेरे ऊपर उसकी आशीषों को हुक्म देता है। कहां पर? जिस संगति में प्रभु ने मुझे रखा है वहां पर रहूंगा तो अभिषेक है, जीवन है और प्रभु के आशीष है। इसलिए प्रभु संगत, संकट हमें प्रभु के साथ एक घनिष्ठता के संबंध में जोड़ता है। वो सिर्फ नहीं, लेकिन उसके संगति के साथ भी जुड़े रहने के लिए प्रभु हमें मदद करता है। जुड़े क्यों रहते हैं? वहां पर प्रभु हमें बनाता है, हमें शेप करता है, हमें और भी उसकी इच्छा में बढ़ाता है। तीसरे में आ जाएंगे हम, तीसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर का चरित्र। संगति में क्या होता है? जैसे मैंने कहा, वहां पर हम उन्नति पाते हैं, आशीषित होते हैं और भी बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं आशीष हम। इसलिए तीसरा कौन सा क्या है? परमेश्वर का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ गॉड, कम्युनियन विद गॉड, कम्युनिटी ऑफ गॉड एंड द कैरेक्टर ऑफ गॉड। ये है परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में, कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर का चरित्र को हमें, हमारे अंदर वो उत्पन्न करता है, निर्माण होता है परमेश्वर का चरित्र। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 27वां अध्याय और उसका 17वां पद। नीति वचन
27वां अध्याय और 17 पद। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। यस, जैसे लोहा और लोहा को क्या करता है, चमका देता है। लोहा लोहा को चमकाता है, जैसे हमें एक वो छुरी को हमें चमकाना है, उसको तेज करना है, तो क्या करना है, दूसरे लोहे के साथ हमें उसको, इसी तरह हम संगति में एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, हम और भी चमक जाते हैं। इसका मतलब क्या है, और भी हम परिपक्व होते हैं, परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर और भी बढ़ने लगते हैं, हम और भी गहरे होते हैं, और भी हम उसके तीव्र और तेज होते हैं। मतलब तेज ऐसा नहीं कि गलत रूप में, तेज अच्छे रूप में लीजिएगा, हम प्रभु की और भी परिपक्व होते हैं। इसलिए संगति में, संगति से जब हम भागते हैं, कट जाते हैं, खासकर संकट के बीच में और भी आपत्ति है। मेरे पास समय नहीं है ये सब कहने के लिए, लेकिन मैं ये एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि संगति में, संकट के बीच में संगति के साथ जुड़े रहे हैं। संगति में देखें, यूसुफ के जीवन से देखेंगे संगति में क्या क्या होता है। पहला उसका संगति कहां पर था, यूसुफ उसके पिता के घराने में। वहां पर क्या है, स्वप्न, उसको परमेश्वर के स्वप्न और परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का मौका उसको मिला, परमेश्वर की योजनाओं को, भविष्य में जो योजनाएं थे वो जानने का उसको मौका मिला। और वहां पर प्रश्न हुआ, जरूर प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न हुआ, उनके उसके भाई लोग उसके घृणा करते थे, उससे अलग होते थे, उसको अकेला करते थे, फिर भी वो संगति में रहा, लेकिन परमेश्वर का कार्य भी होने लगा। वो पहला संगति। दूसरे संगति में क्या हुआ, दूसरे संगति में हम देखते हैं दूसरा संगति कौन सा है, कि पतिफेर के घराना, वहां पर भी प्रश्न हुए, आशीष भी था लेकिन बहुत प्रश्न भी हुए। इस प्रश्न के बीच में भी परमेश्वर उसके जीवन में चरित्र को और उसके प्रभु की इच्छाओं को उसके अंदर निर्माण किया, परमेश्वर के चरित्र निर्माण किया। कैसे चरित्र निर्माण किया, उसके अंदर पवित्रता प्रभु ने उसको बढ़ाया, और खरापन, इंटेग्रिटी, प्यूरिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये चरित्र, खरापन, ईमानदारी और पवित्रता, और सबसे अधिक क्या है, परमेश्वर का भय उसके अंदर, फियर ऑफ द लॉर्ड। ये बातें परमेश्वर ने यूसुफ के अंदर परिवर्तन, उसको बढ़ाया, निर्माण किया, और उसको उसमें बढ़ने के लिए उस घराने में, उस कम्युनिटी में, उस समुदाय में परमेश्वर ने मदद किया। तीसरा कौन सा है, तीसरा समुदाय उसका, उसका जेल में, उसके बंदीगृह में, वहां पर भी प्रभु ने बहुत उसके उसके जीवन में काम किया। वहां पर क्या किया, वहां पर उसके उसके मत, उनके बीच में जैसे धीरज, पेशेंस, कैसे पेशेंस, इस पिराने वालों को, मतलब वो क्या पिलाने हारा को जब व्याख्या किया, उसको एक बात यूसुफ ने कहा, क्या कहा याद है आपको, यूसुफ ने कहा मुझे याद कर लेना, जब आप वापस, आप पुनर्स्थापित हो जाएंगे, वापस अब राज्य में राजा आपको वापस ले लेगा, मुझे याद कर लेना, मुझे यहां से छुड़ा देना। लेकिन क्या हुआ, वो पिलाने हारा को, हारा ने या कब्बेर, वो भूल गया, बहुत साल, मेरे ख्याल से वो 10 से 12 साल इस बंदीगृह में था, 10 से 12 साल परमेश्वर इसके दिल में क्या उत्पन्न कर रहा था, पेशेंस, धीरज, एंड्योरेंस, धैर्य और सौम्यता, फॉरबियरेंस, सहनशीलता, आशा, ये इत्यादि कैरेक्टर उसके अंदर, चरित्र उसके अंदर उत्पन्न कर रहा था। संकट के बीच में परमेश्वर
हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी योजनाओं के अनुसार बातों को या चीजों को नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि उसके चरित्र को हमारे अंदर उत्पन्न करें, हमें और भी परिपक्व करें। तो तीन चीजों को प्रभु, सिर्फ चरित्र को नहीं, तीन चीजों को प्रभु हमें इस कम्युनिटी में हमें बढ़ाता है। वो क्या क्या है? एक तो है चरित्र, कैरेक्टर। दूसरा है स्किल, निपुणता या कुशलता। कुशलता वो भी बढ़ाता है। स्किल क्या, कौन कौन से स्किल इसके अंदर आया? स्किल जैसे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधक, मैनेजर और विजडम, उसके अंदर स्किल, वो बहुत बुद्धिमान हुआ, ये सब उसको बढ़ाया। और वो भी नहीं, गिफ्ट्स, कैरेक्टर, स्किल एंड गिफ्ट, ये तीन चीजों को परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में बढ़ाया जब वो समुदाय में था। चरित्र, कुशलता और हमारे गिफ्ट, हमारा वरदान, ये सब चीज कहां बढ़ता है? जब हम संकट के बीच में भी समुदाय, जो समुदाय में प्रभु ने हमें रखा है, उस समुदाय में हम रहें तो प्रभु हमें बढ़ाए, और वहां पर प्रभु दूसरों के लिए हमें एक आशीष के कारण बनाएगा, जैसे यूसुफ को बनाए, एक भविष्यवाणी के द्वारा भविष्य सूचक बनेंगे। वी विल बी प्रोफेटिक अमंग द कम्युनिटी वेयर द लॉर्ड हैज केप्ट अस, उस समुदाय में हम भविष्य सूचक लोग बनेंगे, मतलब दूसरों को मार्गदर्शन करेंगे, उनको प्रभु की इच्छाओं को उनके सामने व्यक्त करेंगे। फाइनली ये सब क्यों होता है? हमने तीन चीजों को देखा, क्या क्या है? कम्युनियन ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। दूसरा क्या है? संगति या परमेश्वर का, समुदाय, परमेश्वर का समुदाय। और तीसरा क्या है? परमेश्वर का चरित्र। ये सब क्यों होता है? फाइनली परमेश्वर का बुलाहट। ये सब इसलिए होता है कि परमेश्वर के बुलाहट के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया, आप भाग जाएंगे, आप दूर हट जाएंगे, प्रभु के काम आपके जीवन में नहीं होगा, और वो भी नहीं, प्रभु की बुलाहट मैं अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाऊंगा। यह है सबसे बड़ा गलत। प्रभु आपके उसकी बुलाहट के लिए आपको तैयार कर रहा है, संघर्ष और संकट के बीच में आपको, जैसे यूसुफ को तैयार किया। यूसुफ को इजिप्ट का प्रधानमंत्री होने के लिए, अब आपको मुझे प्रधानमंत्री होने के लिए नहीं, जो भी बुलाहट आपके ऊपर है, प्रभु ने मुझे बचपन से ही इस कार्य के लिए, जो कार्य मैं आज कर रहा हूं, जो मेरी इच्छा नहीं था, उसके लिए पूरे संकट और संघर्ष, मुसीबत, चुनौतियों के बीच में प्रभु मुझे बना रहा था। जो कार्य मैं आज कर रहा हूं, वो प्रभु का बुलाहट था मेरे अंदर। आपके ऊपर भी एक बुलाहट, यदि आप मसीह है, आप यीशु मसीह का एक चेला है, यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, इस संकट के बीच में प्रभु आपको उसकी बुलाहट के लिए तैयार कर रहा है। ही शेपिंग यू फॉर हिज कॉलिंग। आप अपनी चीजों में, अपने कामों में, अपने प्रश्नों में ही उलझा रहेंगे, प्रभु कैसे तैयार करेगा? प्रभु के बुलाहट के लिए हम तैयार हो जाएं, जैसे यूसुफ को प्रभु ने, मेरे सामने बहुत कम रह गया। सो गॉड वॉज मेकिंग जोसेफ मोर कॉम्पिटेंट फॉर द कॉलिंग दैट गॉड हैज हैड अपॉन हिम। परमेश्वर यूसुफ को उसकी बुलाहट में और भी निपुण बनाने के लिए इस अनुभव से उसको ले जा रहा। आपके जीवन में उड़ के देखिए, ये जो संकट जो है,
अभी एक दो हफ्ते से शुरू नहीं हुआ, एक साल से ज्यादा हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस एक साल में आपका परमेश्वर के साथ घनिष्ठता कैसे रहा, क्या ये बड़ा कि कम हुआ? आप ही देख लीजिए, आप ही अपने आप से पूछिए, क्या मेरा इस संदेश के बाद आपके पास समय है, या आपके जीवन को और प्रभु के आप मसीह जीवन को गंभीर रूप से देखते हैं, तो थोड़ा समय लेकर आप इन प्रश्नों को पूछें अपने आप से। क्या प्रश्न पूछेंगे कि सबसे पहले मेरा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, क्या वो घनिष्ठता में बढ़ रहा है, क्या मैं उसके करीब आ रहा हूं, या मेरा हृदय और भी कठोर हो रहा है, क्या मैं बलवा कर रहा हूं परमेश्वर से? यदि बलवा कर रहे हैं, आपका हृदय कठोर हो रहा है, हो सकता है आपकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। परमेश्वर करीब आए और भी नम्र करें अपने आप, करीब आने से उसकी आवाज को सुने, प्रभु द्वारों को खोलेगा। करीब आना सिर्फ काफी नहीं है, समुदाय के साथ आपका संबंध कैसा है? आप समुदाय के साथ जुड़े हैं तो क्या प्रभु उसके चरित्र को आपके अंदर उत्पन्न कर रहे हैं? आप उसके कुशलता में बढ़ रहे हैं? आप जो जिस चीज के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है उस वरदानों में आप बढ़ रहे हैं? नहीं है तो अपने आप को जाने जांच, समुदाय के साथ और भी जोड़ें। देखिए, भाग तो हम सब सकते हैं, प्रभु रोकेगा भी नहीं। आप भी भाग सकते हैं, मैं भी भाग सकता हूं। जब प्रश्न आते हैं, अनेक लोग भाग भी गए इस दौरान, उनकी इच्छा के अनुसार कुछ संगति में चले गए। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा, लेकिन एक हकीकत है, परमेश्वर उसके चरित्र को बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक बुलाहट आपके ऊपर है। यदि आपने इसको पहचाना है, नम्र होकर प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की ओर देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं निवेदन करता हूं कि आगे हम हालेलुया, आमेन, धन्यवाद धन्यवाद, प्रेज यू जीसस, आमेन। आइए हम अपने जीवनों को इस वचन के आधार पर हम समर्पित करें। हालेलुया, प्रभु के दास के द्वारा आज एक सुंदर सा वचन आज हमें सुनने को मिला, और ये वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से हमारे जीवन में आया है और बहुत ही सही समय पे हमारे जीवन में आया है। और प्रभु चाहता है कि आज हम अपने जीवनों को एक नए सिरे से समर्पित करें। हालेलुया हालेलुया, इन क्षेत्रों में प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में। हालेलुया, परमेश्वर के समुदाय के साथ, लोगों के साथ, जनों के साथ। हालेलुया हालेलुया, और इसके द्वारा परमेश्वर का चरित्र जो है हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, ताकि हम परमेश्वर की बुलाहट जो है उसमें हम निरंतर आगे बढ़ने पाए। हालेलुया, आइए हम जांचें अपने जीवन को। जैसे प्रभु के दास ने बोला, पिछले एक साल में क्या हमारे जीवन में ऐसा हुआ है? क्या हमने समय लिया है प्रभु के साथ? क्या हम इस क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं? हमें जांचने की जरूरत है। अगर हम कहीं पीछे रह गए हैं, आज हम अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु की ओर हम लौट आए। हालेलुया, मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ना भी छोड़ दिया है, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं है, प्रभु के उपस्थिति में बैठने की इच्छा नहीं है, एक दूसरे से प्रोत्साहन करने की इच्छा नहीं है, संगति में जुड़े रहने की इच्छा नहीं है। आइए आज हम अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु को अनुमति दे पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, ताकि हमारे जीवन में बदलाहट आ जाए, हमारे चरित्र में बदलाहट आ जाए, हमारे क्षेत्रों में बदलाहट आ जाए, और प्रभु जैसे कार्य करना चाहता है, हालेलुया, वैसे कार्य करें। हालेलुया, आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें, अपने तौर तरीके से नहीं, परमेश्वर जैसे हमें ढालना चाहता है, परमेश्वर जैसे हमें बनाना चाहता है, वैसे बनने के लिए आज हम अपने जीवन को समर्पित करें। कई बार हम अपने तरीके से
अपने तौर तरीके से चीजें करना भी चाहते हैं और बनना भी चाहते हैं, नहीं, जैसे प्रभु चाहता है, प्रभु की जो योजना है हमारे जीवनों के प्रति वो आज पूरा होने पाए, ताकि परमेश्वर की बुलाहट जो है हम सब के लिए वो आगे आने वाले दिनों में वो पूर्ण होने पाए। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए, जब रविंद्र भाई हमें एक गीत में अगुवाई करेंगे, मैं अनुरोध करता हूं कोई भी एग्जिट ना करें, आप इस आराधना के गीत के समय अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना पूर्वक खुले हृदय के साथ, हॉनेस्ट होकर, ईमानदारी के साथ, पूरे दिल खोलकर प्रभु के हाथ में अपने जीवन को दे, सरेंडर करें अपने जीवन को और बोले प्रभु तू हाथ पकड़ और चला मैं